आपको खुद मुबारकबाद देते हैं क्योंकि एक अच्छा कदम उठाए आप लोग। ये सालाना काम करते होते हैं, छह महीने में भी एक बार, महीने में भी एक बार जो है ना आप लोग मीटिंग बुलाना चाहिए, मीटिंग बुलाइए, होगा तो हमारे होटल में भी होगा, तो हाल देता मैं आपको। महीने में एक बार आप लोग बैठ के बात करने के लिए जो है ना हमारे तरफ से हाल भी दीजिए। भोपोर्ट में भी अगर आप करना है तो भोपोर्ट में भी हाल है, क्योंकि भोपोर्ट भी जो है पूरे हर मुसलमान का हक है उसके अंदर, क्योंकि ये नहीं कि खाली भोपोर्ट के काम बोल के नहीं, सब काम जो भी दीनी उर्दू से दीन से जो भी कनेक्टिंग है वो तो काम हर मुसलमान का फर्ज है, क्योंकि हर एक का हक है कि वहां पर काम कर सकते हैं अपन। और दूसरी चीज ये है कि उर्दू जबान एक ऐसी जबान है, मातृ जबान, इसको तकरीबन लोग जो है ना हाई फाई में जाके इंग्लिश की तरफ रुख कर रहे, मगर वो इंग्लिश भी पढ़ा मगर उर्दू जरूरी है। कुरान शरीफ पढ़ना है तो महीनों से उर्दू में पढ़ना पड़ता, उर्दू में समझ में आता, कुरान शरीफ में भी उर्दू में मैंने लिखे थे, मगर उर्दू को जो है कम करते जाने से नहीं होता, उर्दू को अपन बढ़ावा देना है। अपन ये अगर उर्दू को बढ़ावा नहीं दिया तो फिर आने वाले टाइम में जो है बच्चों को बिल्कुल ही उर्दू मालूम नहीं होगी, क्योंकि हर घर में हर माइनॉरिटी भाइयों से मेरी अपील है कि आप लोग अच्छी तरीके से जो ना आप एक सब्जेक्ट जो है ना उर्दू का रखिए, और उर्दू तालीम देना बिल्कुल जरूरी है। और हमारे सीएम साहब भी जो है सीरियस लिए हुए हैं उर्दू के बारे में भी, और मैं भी, और हमारे डायनामिक हमारे एमएलए और होने वाले मिनिस्टर भी है हमारे सिंधिया तोड़कर, और क्योंकि आनस्ट मैन है, क्योंकि मैं भी महिला कर रहा तो तकरीबन लोग इनकी तारीफ करे वहां पर, क्योंकि ये नहीं कि हमारी पार्टी के एमएलए ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो है फैक्ट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे केसीआर साहब भी एक ऐसी शख्सियत है जिसको सेक्युलर बोलते हैं, सेक्युलर सीएम है, और लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस हो या और भी कोई पार्टी हो, क्योंकि पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं है, मगर मैं थोड़ा बोल रहा हूं भाई, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पब्लिक जानती है कौन चार साल में कितना काम करे काम नहीं करे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आप इमाम मोहम्मद को आज तक इंडिया में कोई भी नहीं दिए 5,000 रुपए, हमारे केसीआर साहब जो है ना 5,000 रुपए इमाम को, 5,000 रुपए मोहम्मद को, आंध्रा में भी 3,000 रुपए मोहम्मद को दे रहे हो, वो भी थोड़े मस्जिदें हैं वहां पर, यहाँ पर 9,500 मस्जिदें हैं, यहाँ पर उन लोगों को भी दे रहे, और भी जो भी आए उन लोगों को भी दिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सीएम साहब बोलने के बाद इमीडिएट जो भी पास कर दिए और वो दे रहे भी इंशाल्लाह ताला। और दूसरा जो है 20,00,000 रुपए जो ना स्कॉलरशिप जो दे रहे बच्चों को पढ़ने के लिए, गरीब बच्चे पढ़ने सकते बाहर जाके, वैसे लोगों को भी दे रहे, शादी मुबारक स्कीम है, ऐसे कई स्कीम्स है, रेजिडेंशियल स्कूल है, क्योंकि माइनॉरिटी में जो है ना इतने काम कर रहे हैं केसीआर साहब, ये नहीं है कि खाली बोल बचन का नहीं है, क्योंकि थोड़ा देर हो रही उनकी कुछ चीजों में, इंशाल्लाह आने के बाद गवर्नमेंट आने के बाद बराबर आप लोगों को उसका जो ना बेनिफिट होगा। और दूसरी चीज ये गवर्नमेंट आने के एक साल के अंदर जो ना करंट का पानी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया हमारे केसीआर साहब, क्योंकि आज तक 50 साल से जो ना कभी भी लाइट शर्मा में जो ना 8 घंटे बंद, 5 घंटे बंद, 10 घंटे बंद, टीडीपी हो या कांग्रेस हो, मगर उससे केसीआर साहब आने के बाद आप लोग देख रहे हो लाइट बंद होने का सवाल ही नहीं है, हर विलेज में गांव गांव में भी जो है ना लाइट बराबर मिल रही सबको। और मेरी उर्दू जर्नलिस्ट भाइयों से भी अपील है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी केसीआर साहब हम लोग मिलकर, हमारे सीनियर साहब, हम लोग डिप्टी सीएम साहब महमूद अली साहब, हम लोग सब मिलकर एक टीम वर्क करके हमारे अटॉर्नी साहब आप लोगों की यूनियन को लेके हम जो है ना एक नुमाइंदगी करके आप लोगों को भी क्या बेनिफिट हो सकता, क्या बेनिफिट आप लोगों को भी होना है इंशाल्लाह।